एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने गुरुवार को बेतियाहाता से कैंट के बीच नो पार्किंग में खड़े किए गए वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि बेतियाहाता की सड़कों पर लोगों की काफ़ी आवाजाही होती है, जिससे काफ़ी भीड़ होती है और कुछ वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। ऐसे वाहनों का चालान किया गया है और जिन वाहनों के वाहन स्वामी मौके पर मौजूद नहीं हैं, उन वाहनों को उठाकर यार्ड भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग में खड़े किए गए वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर टीआई और यातायात के पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, आम जनता को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में कि देखा जा रहा है ऑटो वाले जहाँ इच्छा होती है ऑटो खड़ा कर लेते हैं। शास्त्री चौराहे पर भी कार्रवाई की गई है, वहाँ से ऑटो वालों को हटाया गया है, चालान भी किया जा रहा है। बेतियाहाता से लेकर के कैंट चौराहा तक, इसमें भी काफ़ी चूँकि मेडिकल स्टोर्स हैं,
डॉक्टरों की दुकानें हैं, नर्सिंग होम्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाहनों की हो जाती है सड़क के किनारे, तो उसी को हटवा करके इसको साफ कराया जा रहा है जिससे सुगमता से यातायात संचालित हो सके। सर अभी तो ये रोड माना जाए बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है, बहुत लोग गाड़ी खड़ा करके चले जाते हैं, इसके लिए क्या निर्देश? इसके लिए लगातार हटाया जा रहा है, हमारी जो ट्रैफिक की मोबाइल दस्ता है उसको देखा जा रहा है और क्रेन भी साथ में लेकर के हम चलते हैं। अगर कोई बिल्कुल लावारिस टाइप का वाहन है, कोई उसको देख नहीं रहा, तो उसको उठा के फिर यार्ड में भेज रहे हैं। इस तरह कार्रवाई कर